much. So much. Mwah. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाशो ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोगों के साथ में लेकर आई हूँ नया टोनर। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप जो भी टोनर या पैक लगाते हो या फिर लेप लगाते हो या कोई भी चीज लगाते हो तो आप अपनी चीज भी शेयर किया करो। बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो चीज मैं ट्राई कर रही हूँ वो भी ट्राई करें। ठीक है, तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो आप लोग उसको कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बट मैं आज नया हेयर टोनर बना रही हूँ जो कि मेरा एक नया हेयर टोनर है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ऑसम आएंगे क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये टोनर मैंने अभी यूज किया था जब मेरा टोनर कपूर कचरी का खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये मैंने टोनर जो बनाया है मेरा ये एक बार यूज हो चुका है और अब मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ फिर से। ठीक है, क्योंकि मैं जो टोनर बनाती हूँ केवल 2 से 3 दिन के लिए बनाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपके पास जो चीजें हैं वो वेस्ट हो, आपके पास एसेंशियल वाले इतने महंगे आते हैं, ठीक है, पाउडर्स इतने महंगे आते हैं, बहुत सारे लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो फेंकने से अच्छी चीज ये है कि आपकी वो चीज खराब हो तो आप उसको बनाकर 2 से 3 दिन के लिए रखिए, यूज कीजिए और उसके बाद से आप उसको हटा दीजिए। ठीक है, अभी मैंने ये वाला टोनर बनाया है और यूज कर रही हूँ इसको। आप लोग देख सकते हो ये जो मेरे बाल हैं यहाँ पे जो हेयर लाइन है मैंने ऑयल लगाया हुआ है पूरा प्रॉपर अपने बालों में, और ये देख सकते हो फोरहेड पे मेरे जो बाल हैं यहाँ के सारे बाल मतलब बहुत तरीके से आ चुके हैं, छोटे 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 जो बाल हैं ये सारे, है ना। तो ये जो बाल होते हैं ना बहुत अच्छे रहते, देखो अभी से आप केयर करना स्टार्ट कर दोगे, समझ जाओगे, संभाल लोगे अपनी चीजों को तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। आप लोग कभी भी स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कैवी ट्रीटमेंट, हेयर स्पा बाहर मत कराओ, मत कराओ, क्योंकि देखो अभी रोक लिया ना जो चीज आपने रोक ली, अगर आप थोड़ा सा भी लेट करते हो ना तो आपके बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। मेरे पास इस तरीके की फोटोज आती हैं, इस तरीके की वीडियोज आती हैं कि मतलब मैं देख करके खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये एक्चुअली में पार्लर से बाल उठाकर लाया गया है या फिर इनका ये खुद का हेयर फॉल है। मेरे पास ऑडियोज भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, बालों की पूरी फोटोज आती हैं, मतलब इसके अलावा इतनी ज्यादा शो हो रही होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। खैर, ये सारी चीजें मेरे चैनल पर इसलिए आती हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को फर्क लग रहा है और बहुत सारे लोगों को एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हाँ उनकी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, तो वो अगर कर रहे हैं स्टार्टिंग से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप तो उनको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं, ऐसा है नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट देखो घर की चीजें हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नेचुरल हर्ब्स हैं आपके ये, तो आपको टाइम लेते हैं, टाइम लगता है हर एक चीज को सूट होने में। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट से सारी चीजें यूज करते हो तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, आपके बाल भी अच्छे रहते हैं, है ना। जब हम 9th 10th में थे या आप हो गए तो आपके बाल बहुत मोटे होंगे, बहुत चोटी थिक होगी, बहुत घने बाल होंगे, अब वो चीजें नहीं है, आपने केयर भी छोड़ दी और आपके पास जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं, टेंशन बहुत है, है ना। तो इस चीजों से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, बहुत ज्यादा पानी पीजिए, बॉइल्ड कॉर्न ऐड कीजिए अपनी डाइट में। दूसरी चीज आप अपने लिए चिया सीड्स ऐड कर सकते हो अपने खाने में। दूसरी चीज आप फ्लैक्स सीड ले सकते हो। आप मल्टी विटामिन मत लीजिए बाहर का, आप बहुत सारी चीजें जैसे आप पालक है, पालक का सूप बना सकते हो, टोमेटो का सूप बना सकते हो, है ना। अभी ठंडियां स्टार्ट होंगी तो आप पालक के सूप वगैरह बनाकर पी सकते हो, कुकुम्बर जूस ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, है ना। मक्खन है, घी है, दही है, ये सारी चीजें आप ऐड कीजिए अपनी डाइट में। तो चलिए देख लेते टोनर को बनाना कैसे है, है ना, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है, सो गाइस चलिए मैं बना लेती हूँ टोनर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर टोनर ये बनाऊंगी अपने लिए कम से कम 20 दिन के लिए, मतलब ये टोनर मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी वेदर चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पर अभी 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए टोनर बना सकते हो। जहाँ हम रहते हैं ना यहाँ पर ठंडा मौसम होने लगा है, ठीक है, तो आप बना सकते हो अपने लिए ज़्यादा टाइम के लिए। तो मेरा जो टोनर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है क्योंकि मैं पूरी फुल लेंथ में लगाती हूँ और 3 से 4 बार लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लिप्टन की ग्रीन टी विथ आपके तुलसी और मिंट वाली है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और इफ़ेक्टिव भी है। आप लोग कह रहे हैं कि दीदी आप मॉर्निंग में क्या लेते हो ड्रिंक, शेयर किया करो अपनी, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। तो जल्दी शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी शेयर कर दूँ, है ना। तो उसके बाद से मेरी काम स्टार्ट होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कलौंजी अनियन सीड। अनियन सीड आपके बालों के लिए आप लोग को पता ही है बहुत अच्छा है। मेरी एक और मेंबर हैं और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे इंस्टा पर पूछा था, तो मैंने उनको भी 10 दिन हुए हैं मुझे बताए हुए, तो उन्होंने कलौंजी का और एवोकाडो का टोनर यूज़ करना स्टार्ट किया है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा चिया सीड्स। चिया सीड्स आपको डालना है, चिया सीड में ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। आप यहाँ पर फ्लैक्स सीड का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं है तो।
ठीक है। इसमें फैटी एसिड होते हैं, जो लोग मछली वगैरह फिश वगैरह नहीं खाते हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और आपके हेयर भी इससे बहुत अच्छे होते हैं। आप डाइट में भी इसको ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बॉईल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद से इसको आपको फेंकना नहीं है, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाना है, कच्चा पानी नहीं यूज़ करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ब्राह्मी का पाउडर, हेयर फॉल के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है, बहुत ही अच्छा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हेयर फॉल को कंट्रोल करे ब्राह्मी से अच्छी। ब्राह्मी मेरी फेवरेट है, हेयर फॉल को बहुत जल्दी कंट्रोल करती है, मेरे मुश्किल से 3 से 4 बाल निकलते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इतने बड़े बाल हैं 3 से 4 बाल, तो भैया जितने बाल निकलते हैं उतने ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं हमेशा अपने बालों में 2 चोटी या फिर मैं 1 चोटी प्लेट्स बनाकर रखती हूँ, जिससे बाल आपके उलझते नहीं हैं और कम उलझते हैं, ठीक है। फिर आप खोल करके कोम कर लो, कोम करने के बाद से फिर आप टोनर लगा लो अपना, जैसे आपने टोनर लगा लिया, कोम कर लिया अपना, जो भी करते हो आप प्लेट्स वगैरह जैसे भी बना के रखते हो, वैसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है कि आप 2 चोटी बनाओ। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मज़े ले लो, अपने बालों को अच्छी तरीके से बढ़ा लो। शादी के बाद आप नहीं कर सकते हो, देखो मैं अकेले रहती हूँ तो मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, बट अगर आप इन-लॉज के साथ में रहते हो, फैमिली के साथ में रहते हो, जहां पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो वहां पर आप अपने बालों में तेल लगाकर नहीं घूम सकते हो, नहीं रह सकते हो ना। तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप इन सब चीजों को कर सकते हो, स्पेशली गर्ल्स जिनकी शादी होने वाली है या फिर शादी फिक्स हो चुकी है, उनके लिए मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि देखो बाल है तो सब कुछ है, बाल नहीं है तो कुछ भी नहीं है बेटा। अभी से केयर कर लो, है ना, रिजल्ट अच्छे हैं, और अगर नहीं केयर करोगे तो बाद में पछताओगे। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें मत करो, बंद कर दो आप, ठीक है, नहीं तो आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को कोई भी अच्छा नहीं मिलेगा। अभी आप बाहर जाओगे ना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती है, आपसे बिल्कुल बकायदा वो साइन करा कर लेके लेते हैं। मेरे पास एक मेंबर और आए हैं, खुद प्रोफेशन से डॉक्टर हैं वो, है ना, और हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह सब करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इनके पास आ गए भैया, अरे भैया हम चैनल पे हैं और रिजल्ट्स मिल रहे हैं तभी बंदे आ रहे हैं, और डॉक्टर भी खुद ही ये बोलते हैं कि नेचुरल चीज़ें जितनी अच्छी होती हैं उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। वो डॉक्टर होकर मेरी रेमेडीज़ को यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, गजब के मिल रहे हैं, ठीक है। डियर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करोगे तो प्लीज़ आप एक बार यहाँ पर अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। सुमन जी, अगर आप मैसेज करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हेल्प मिलेगी, कि लोगों को ये लगेगा कि हाँ मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर भी आपको बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट मत कराइए, क्योंकि उसमें रिस्क भी रहता है और वो अच्छा भी नहीं रहता है, और वो तो 1-1.5 लाख रुपये लगाते हो आप, वो भी वापस नहीं होते हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं कि 1600 रुपये हम आपको दे देंगे, बट आप क्या हमें वापस कर दोगे अगर मेरे बाल सही नहीं हुए? तो भैया हम आपके पास आकर देख थोड़ी रहे कि आपके बाल सही हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद से मैंने यहाँ पर 10 गुआवा लीव्स डाली है, उसके बाद मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते डाले हैं, ठीक है। तुलसी के पत्ते मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किए हैं, जिनके पास तुलसी वाली टी नहीं है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कोई भी बंदा अगर आपको ट्रीट दे रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, तो ये थोड़ी है कि आपको वो पैसे वापस कर देगा, तो ये चीज़ें तो नहीं होती हैं। क्योंकि आपको जब डॉक्टर 1-1.5 लाख रुपये नहीं दे सकता, तो 1600 रुपये तो कुछ भी नहीं होता, छोटी सी चीज़ है ना, और उसमें कोई गारंटी भी नहीं रहती है। बट मैं आप लोग को खुद बोलती हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हो ना, तो कम से कम 6 महीने के लिए आओ, 3 महीने के लिए आओ, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। आप करो कंटिन्यू, देखो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। कोई आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं बताएगा, और ना ही आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बताएगा कि आपके बाल सही हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। गारंटी तो खैर कोई नहीं देता है, चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट आपको गारंटी कोई नहीं देगा, क्योंकि देखो मेरी गारंटी इसलिए है क्योंकि मैं खुद भी चीज़ें यूज़ करती हूँ और खुद आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ पर वीडियो नहीं जाती है एप्लीकेशन की, तो चैनल पर जाती है, ब्लॉग चैनल पर जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बोलते होंगे यार आपने जो चीज़ें डाली हैं वही चीज़ें यूज़ करी हैं, नहीं करी हैं, ये किसको पता है। बस इसको छान लेना है, छानने के बाद जो इसमें चीज़ें हैं इसको आप अलग रख दीजिए, पैक बनाकर यूज़ कर सकते हो। इसमें लेवेंडर की 20 ड्रॉप्स ऐड करनी है। मेरा जो टोनर है ये बनके रेडी है, आपको इसको छोड़ देना है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। इसमें जो भी चीज़ें हमने ऐड करी है इसको छान कर आप इसमें 2 से 3 चम्मच अपना कोई भी अपना फेवरेट पाउडर डाल लीजिए। ये जो इसमें इंग्रेडिएंट है इसको फेंकना नहीं है, इसका आपको पैक बनाना है। पैक की वीडियो आप लोग को नेक्स्ट डे मिलेगी देखने के लिए, टोनर आप लोग देख लीजिए और पैक की जो वीडियो है नेक्स्ट डे मिलेगी। ये भी नया हेयर पैक है जो मैं यूज कर चुकी हूँ, 2 बार यूज किया है मैंने और रिजल्ट बहुत अच्छे। मैं अभी से अपने बालों की केयर नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत टाइम से केयर कर रही हूँ, ठीक है, तभी मेरे बाल इतने अच्छे हैं और मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आप लोग जब कोई चीज यूज करते हो तो आपको रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आपने अपने बालों पे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया है। अगर आपने अपने बालों पे केमिकल कराया है, केमिकल ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो आपको कोई भी चीज जल्दी सूट नहीं करेगी और ना ही इफेक्ट करेगी, ठीक है। अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, जो मैंने अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के सामने शेयर किया था वही अब मेरे फेस पे है। मैंने बस वही चीजें करी हुई है। टोनर मैं अपना यूज कर रही हूँ, मिस्ट यूज कर रही हूँ अपना होम में, कैल्शियम की क्रीम यूज कर रही हूँ,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग के लिए लिंक प्रोवाइड करा देती हूँ, या फिर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग उस चैनल उस वीडियोस को जरूर से जरूर वॉच कीजिए, उस वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो मैंने जो स्किन केयर की वीडियो आप लोग के सामने शेयर करी है 1 वीक वाली चैलेंज वाली, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत 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 ज्यादा अच्छी है। आप लोग देखिए, बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग भी आने वाला है, तो ब्लॉग भी देख लीजिएगा आप लोग, और आप लोग को खुद उसमें पता लग जाएगा कि नेचुरल लाइट और जो हमारी शूट की जो लाइट होती है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, फेस पे कितनी ज्यादा शाइनिंग है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इस टोनर को सेम वे में ही यूज करना है जैसे आप लोग यूज कर रहे आ रहे हो हमारे जो टोनर्स हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत हमें शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और बहुत हमें शेयर कीजिएगा। सीमा ब्लॉग को हमेशा वॉच किया कीजिए, वहां पर मैं आप लोग के साथ में डेली हेयर केयर रूटीन भी डालती हूँ, जो चीजें मैं खुद के ऊपर ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, बाय, लव यू, टेक केयर।